हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मटन बट कढ़ाई, तो वीडियो को एंड तक देखना है। और रेस्टोरेंट स्टाइल में मटन बट कढ़ाई बनने वाली है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हे भी तो 1 किलो मटन प्रेशर कुकर में हम 1 किलो मटन ऐड कर देंगे। फोर टमाटर लाल कलर के आपने लेने हैं। प्रेशर कुकर में टमाटर आप डाल दें, इसको हमने काटना नहीं है टमाटरों को। बारीक कटा हुआ 1 अदद प्याज प्रेशर कुकर में डाल दें। लहसुन और हरी मिर्चों का पानी 1/2 कप प्रेशर कुकर में ऐड कर दें और 1/2 ग्लास पानी का शामिल कर दें। नमक 1 टेबल स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून। ढक्कन लगाकर प्रेशर कुकर को बंद कर लें। ऊपर आप सीटी लगा दें। 15 से 20 मिनट तक हम इसको पकाएंगे ताकि गोश्त गल जाए। मटन गल चुका है, अब हम टमाटर के छिलके उतार लेंगे, बाहर निकाल लेंगे और फिर हम इसका पानी खुश कर लेंगे और इसको हम कढ़ाई में शिफ्ट कर लेते हैं। टमाटरों को मैश कर लें। टमाटरों को मैश करने के बाद 1 कप फेंटा हुआ दही लेंगे और दही शामिल कर दें आप कढ़ाई में, और फिर दही को आप अच्छे से मिक्स कर लें। फिर दही के पानी को भी आपने ड्राई कर लेना है। 1 टेबल स्पून मक्खन ऐड कर दें। मक्खन डालने के बाद अच्छे से कढ़ाई को मिक्स कर लें। 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद कढ़ाई को आप अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हम 2 टेबल स्पून देसी घी ऐड करेंगे। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गार्निश के लिए हरी मिर्चें, अदरक, नींबू और धनिया इस्तेमाल करेंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर दें। बारीक कटा हुआ अदरक शामिल कर दें। बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दें। हरा धनिया शामिल करने के बाद बारीक कटे हुए नींबू के स्लाइस ऐड कर दें। मटन बट कढ़ाई रेडी है। आप लोगों से फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी पर क्लिक कर दें।